आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि जल का क्रांतिक ताप ऑक्सीजन से अधिक होता है क्योंकि H2O अणु में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें H2O के बारे में चार गुण बताए गए हैं। हमें बताने की कौन सा गुण इसके लिए बिल्कुल सही होगा, जिस गुण के कारण दोस्तों हमारा जो जल है इसका क्रांतिक ताप जो है वो ऑक्सीजन से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया, यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो हमारा क्रांतिक ताप ये H2O में अधिक होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा जल होता है, जल के सूत्र को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, जो हमारा सामान्य जल होता है इसे हम H2O के तौर पर जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर H2O की संरचना बना लूँ, ठीक है, हमें यहाँ पर इसके गुण के बारे में पूछा गया, तो सबसे पहले हम इसकी संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमारा जल है दोस्तों, इसकी संरचना किस तरह से होती है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर होता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन एक तरह से हमारे हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और इस तरह से यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होती है दोस्तों हमारी संरचना। अब इस संरचना को दोस्तों हम किस आकार की संरचना के तौर पर जानते हैं, ये एक तरह से हमारी जो है वी आकार की संरचना के तौर पर जानते हैं। इसकी संरचना किस तरह की होती है, वी आकार की संरचना के रूप में होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, इस ऑक्सीजन में दोस्तों हमारा जो है पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन में दोस्तों क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और इसमें हमारा पार्शली पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें दोस्तों वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा H2O है इसमें वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके दोनों हाइड्रोजन में हमारे क्या होते हैं, पार्शली पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन में पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। ये दो महत्वपूर्ण गुण इसमें उपस्थित होते हैं, इसी कारण से दोस्तों इसका जो क्रांतिक ताप होता है जल का वो ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमें बोला गया है कि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह कारण जो है दोस्तों बिल्कुल गलत बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि दो सहसंयोजक बंद होते हैं, तो यह भी हमें यहाँ पर कारण गलत बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन सी में कि वी आकार की संरचना होती है, तो वी आकार बोला गया है जो कि हम जानते हैं कि वी आकार होता है, इसलिए दोस्तों भी हमारा क्रांतिक ताप अधिक होता है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चौथे विकल्प में बोला गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो हम जानते हैं इनके बीच में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसके कारण भी हमारा क्रांतिक ताप ऑक्सीजन की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो कारण पूछा गया था उसमें से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों कारण हमारे बिल्कुल सही है, और इन्हीं के कारण जो है क्रांतिक ताप का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।